हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट पॉडकास्ट हारना इम्पॉसिबल में। हारना इम्पॉसिबल हर वीक में आपको ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ जो आपके अंदर एक बार फिर से पॉजिटिविटी दिलाता है। जी हाँ, इन कहानियों को सुनकर आपको लगने लगता है कि मेरी जो परेशानी है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों ना हो, इन लोगों ने हर दिन हर पल ऐसी चीजों को झेला है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए ना, अगर हमारे घर में कोई ऐसा एक बच्चा जन्म लेता है जो पूरी तरह से हमारी तरह फिट नहीं है, तो सबसे पहले तो हम उसे बेचारा कहते हैं। साथ ही साथ हम ये सोच लेते हैं कि वो अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने परिवार के लिए एक बोझ बनकर रह जाएगा। लेकिन आज वो बच्चा जब अपना, अपने परिवार और पूरे देश का नाम रोशन करता है तो हम कहने लगते हैं, वाह, इस बंदे में है दम। किसी के सक्सेस को देखकर वाहवाही करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे सक्सेस के पीछे उस इंसान ने कितनी मेहनत की, कितने परेशानियों को झेला है वो हम भूल जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक बंदे की है, स्टीफन हॉकिंग। नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग प्रतिभाशाली दिमाग वाले एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और लेखक हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कठिनाइयों से भरे हुए जीवन को जीते हुए भी अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। चलिए उनके बचपन की थोड़ी बातें कर लेते हैं। स्टीफन का जन्म सन 1942 को इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। उनका सपना एक वैज्ञानिक बनना था। जब वे 21 साल के थे तब उन्हें ALS नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। सोचिए, जो इंसान 21 साल तक सपना देख रहा था एक वैज्ञानिक बनने का, अचानक से उसके जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो सपना टूटता हुआ नजर आने लगा। जी हाँ, धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड होने लगा। वो अपने शरीर से लकवाग्रस्त थे पर दिमाग से बहुत तेज थे। वे अपने सकारात्मक सोच को आधार बनाकर अपने सपने को पूरा करने में लग गए और एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। तो देखा ना दोस्तों, जो इंसान व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकता है वो एक महान वैज्ञानिक बना। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर आपके परिवार में आसपास कोई ऐसा हो जो हमारे तरह पूरी तरह से फिट ना हो, तो उसे डीमोटिवेट ना करें, उसे कहें तुम भी कर सकते हो, तुमसे भी हो पाएगा। ऐसे लोग मन ही मन दिमागी तौर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। अगर आप उनका साथ देंगे, उसे ये कहेंगे कि आप कर सकते हो, तो उनके अंदर एक इच्छा जागेगी और वे भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। एक और ऐसी कहानी लेकर मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हारना इम्पॉसिबल मेरे यानी कि अनिमेश के साथ।